कितना कट्टा बेचे थे? 7 कट्टा सर। 7 कट्टा जी सर। 7,50,000 का सर वापसी मांगा है। उनके डर की वजह से कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, जो कि 10 आदमी था सर पैसा जब दे रहे थे 10 आदमी था सर, लेकिन एक आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जबरन मेरी माँ और भाई को बिठा कर और हमसे पैसा मंगवा लिया सर। ठीक है, पैसा मंगाने के बाद बोलते हैं कि तुम हमको 50 पैसा भी नहीं दिए। तेजस्वी सर से मिले सर, तो तेजस्वी सर से बोले कि ऐसा ऐसा बात है सर कि हमारा पैसा नहीं देगा। तेजस्वी सर बोले कि तुम जाओ एफ आई आर करो। ये उपेंद्र कुशवाहा सर से भी मिले तो अपना आदमी भेजे सर, बोले कि पैसा दूंगा पहले हमारा बॉन्डी करा दो। बोले भारत में आपका स्वागत है और मैं हूँ हमजा। देखिए आज सोमवार है और आज के दिन जनता दरबार लगता है। जनता दरबार में लोग फरियादी तो पहुँचते रहते हैं नीतीश कुमार से अपनी बात को लेकर, मगर एक फरियादी है, इनका मामला कुछ अलग सा है। तो हमने सोचा इनसे बात किया जाए और इनके ज़ुबानी ही जाना जाए। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम भीम वर्मा है सर और बीटा प्रखंड बेला गाँव से हैं सर। जी, क्या मामला है? मामला ये है सर कि पिछले साल फरवरी महीने में हम जमीन बेचे थे पूर्व राज्यसभा सांसद लालू प्रसाद जी के साले सुभाष प्रसाद यादव से। इधर आजिए, सुभाष जी से। जी सर। जी, पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष प्रसाद यादव की पत्री से हम बेचे थे सर। ठीक है। पर बेचने के बाद दूसरे हमें घर बुलाया सर कि माँ और भाई को लेकर आना। ठीक है। घर पे बुलाने के बाद बोले कि मैं रजिस्ट्री रद्द करूँगा, पैसा ला के हमको वापसी करो। हाँ। हम ना बोल रहे थे कि नहीं सर, हम वापसी कैसे कर दे सर। तो जबरन मेरी माँ और भाई को बिठा कर और हमसे पैसा मंगवा लिया सर। ठीक है। पैसा मंगाने के बाद बोलते हैं कि तुम हमको 50 पैसा भी नहीं दिया। अच्छा जी सर। उसके बाद में तेजस्वी सर से मिले सर, तो तेजस्वी सर से बोले कि ऐसा ऐसा बात है सर कि हमारा पैसा नहीं दे रहा। तेजस्वी सर बोले कि तुम जाओ एफ आई आर करो। एफ आई आर के लिए गए तो सर, तो वो बोलते हैं कि थाना परवाड़ी की मैं एफ आई आर नहीं लूँगा, कि इतना दिन का मामला है कि मैं एफ आई आर नहीं लूँगा, तुम जाओ जो करना है कोर्ट से करना, मैं एफ आई आर नहीं लूँगा। माननीय उपेंद्र कुशवाहा सर से भी मिले तो अपना आदमी भेजे सर, बोले कि पैसा दूंगा पहले हमारा बॉन्डी करवा दें, फिर उसके बाद बोले कि हमारा कोर्ट से पहले एफिडेविट करवा दे 1,000 रुपये के स्टाम्प पर, उसके बाद में तुमको पैसा दूंगा, कि किसी प्रकार का केस नहीं किया। मतलब कि सर कोई भी बात पे अस्थाई नहीं है सर। सुभाष यादव जी सर, पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष प्रसाद यादव। कितने का मामला है टोटल? 7 कट्टा बेचे थे? 7 कट्टा सर। 7 कट्टा जी सर। 7,50,000 का सर वापसी मांगा है सर। नेवरा जी सर, नेवरा ओपी थाना है सर। हाँ समझ गया, बीटा से पहले जो नेवरा। जी जी। तो तेजस्वी के पास गए तो तेजस्वी ने कहा कि FIR करो। जी सर, FIR करने के लिए कहे सर, FIR नहीं ले रहे सर वो थाना वाले। जी सर, थाना वाले ये करके हम भगा दिए सर, कि तुम जाओ जो करना है कोर्ट से करना। अच्छा, अब जनता दरबार में अप्लाई किए आप कि डायरेक्ट आ गए? 7वें महीने में अप्लाई किए हुए सर। हाँ। 2021 में सर, 12 तारीख को, और अभी तक हमारा नंबर नहीं आया सर। हम सोचे थे कि आज किसी प्रकार आज मुख्यमंत्री सर से मिलेंगे तो शिकायत करेंगे, तो हमारा निदान नहीं होगा सर। तो आपकी माँ बाप, माँ और बहन को बैठा दिया गया ना? माँ और भाई को सर। माँ भाई को, उसके बाद आपसे पैसा मंगवाया गया सर? आपने पूरा पैसा दे दिया? दे दिया सर। और रजिस्ट्री का कागज़ उन्होंने वापस नहीं, नहीं किया? जमीन पर कब्जा भी किए हुए सर। हाँ। और बोलते हैं तो कि तुम्हें जान से मरवा दूंगा अगर कहीं गया तो उनका आदमी से। अच्छा, तो कहीं भी उठवा दूंगा तुमको। उनके डर की वजह से कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, जो कि 10 आदमी था सर वापस पैसा जब दे रहे थे 10 आदमी था सर, लेकिन एक आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं है सर, एक आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, तो सुभाष यादव की पत्नी से बेचा था आपने? जी सर। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये मामला है, जो मामला बड़ा गंभीर है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए।